और दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर इस समय रणवीर की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है प्राची। क्योंकि प्राची की बात की जाए तो प्राची से ये उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि प्राची कुछ ऐसा भी करेगी, क्योंकि इस समय प्राची ने जो किया है कहीं ना कहीं वो चीज़ रणवीर की फैमिली इग्नोर नहीं कर पाएगी जानबूझ कर भी। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्राची की गवाही के कारण आज रणवीर जो कि सलाखों के पीछे हैं और इस चीज़ का पूरी तरीके से कोहली परिवार प्राची को जिम्मेदार मान रही है। क्योंकि एक लड़की के कहने पर प्राची ने रणवीर के खिलाफ इस तरीका की गवाही देगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि आखिरकार सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि प्राची कभी हमारे घर के हिस्सा रही थी, लेकिन आज प्राची ने क्या किया है और वैसे भी जिंदा है और हमें कभी सूचना भी नहीं दी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सभी घर वाले कहीं ना कहीं प्राची के ऊपर फटते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना ये है कि प्राची ने जो किया है हमारे साथ में वो बिल्कुल हमें धोखा दिया है, गुमराह किया है। और दोस्तों बात भी हकीकत भी यही है कि प्राची की गुमराह करने की वजह से अब सभी लोग प्राची के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार प्राची इन लोगों के साथ में कैसे डील कर पाती है, क्योंकि प्राची ने जो कारनामा किया है, जो कृत्य की है, आखिरकार उसकी चीज तो प्राची को भुगतनी ही पड़ेगी ना। क्योंकि रणवीर ने वाकई में प्राची से बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन बदले में रणवीर को क्या मिला? जिल्लत भरी जिंदगी और कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय रणवीर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया कि जो वाकई में मेरे प्यार के काबिल ही नहीं थी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आने वाला एपिसोड में और भी बहुत बहुत बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि रणवीर अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर तो अपनी बात को बोलता नहीं है, लेकिन अगर बोलता है तो कुछ सोच समझ कर ही बोलता है। और फिलहाल रणवीर का दिमाग बर्न आउट हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।